दोस्तों भाई अभी बिल्ली गई है यहाँ से। अभी मैं ना देख रहा था चूजों को और अभी ना बिल्ली आई थी और मैंने भगाई है। अभी चलेगा शुगर है, अभी भी बिल्ली है, पता नहीं कहाँ है। मैं देखता हूँ फिर आपसे सलाम। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मैं भी खैर खैरियत से हूँ। और आप सबको एक नए ब्रांड न्यू व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। अभी ना मैं आया था छत पे तो मैंने मुर्गा मुर्गी को खोला है, तो मैं आपको मुर्गा मुर्गी दिखाता हूँ। और वो जो हरकतें कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं छोटी छोटी, अरे होता है ना छोटे छोटे खेलते उछलते हैं, तो वो मैं दिखाता हूँ। वो डाला था चावल डाले थे, वो रोटी डाली थी और दूध के साथ रोटी थी, मेरे बाबा खाते हैं अक्सर, तो वो ना मैंने यहाँ डाल दिया था दूध और रोटी मिक्स करके। और ना हमारे घर में ना छोले की फली वो बनी थी, तो वो भी मैंने डाल दी इनों के पास। और ना उसके छिलके होते ना जो छोले की फली के, तो इनों को डाल दिया मैंने। और अब देखते हैं, वैसे ही खा रहे हैं अभी बहुत सारा था। और इन वालों को भी डाला है मैंने ये खाना। और ये अभी ना पेट भर गया है ये थोड़ा ना, अभी की ना उछल रहे थे पता नहीं क्यों। बिल्ली भी आ गई थी अभी, उसलिए भी डर लग रहा था इन्हों को। और ना ये अभी खा रहे बीट है यहाँ, क्योंकि ना यहाँ कबूतर आते हैं बहुत सारे, तो बीट होती है ना ये खा लेते हैं, पता नहीं क्यों ये गलत आ जाते हैं। वैसे जानवरों को खिलानी नहीं चाहिए। अभी ना पतंगों का सीजन चल रहा है और हमारी छत के इधर ना पतंग आई है। मेरे को ना डोर दिख रही है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये डोर दे, यहाँ डोर दिख रही है, यहाँ ये वाली डोर। अब ना मैं सोच रहा हूँ इसको पकड़ूँ, अभी ना ये वाला डंडे से ना मैं इसको कोशिश करता हूँ ये मुझसे पकड़े जाए, और देखते अब क्या होता है। अब मैं ना यहाँ डंडे से उठाने की कोशिश करता हूँ, अब पता नहीं उतर जाए डंडे से। अबे यार बहुत दूर है, ये वाले डंडे से तो नहीं उतर रही। अब ना ये वाले डंडे से उतारने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं उतर जाए। और यहाँ बहुत सारी पतंगें उड़ रही है, आपको दिखे या ना दिखे, क्योंकि कैमरा इतना अच्छा नहीं है। आप सपोर्ट करें यार गाइस, सपोर्ट। चलो कोई तरीका है भीख मांगने का? ये देखो खा रहे हैं माशाल्लाह। ये ना ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जब ये खाते ना इतने अच्छे लगते मुझे माशाल्लाह से, मुझे मज़ा आ जाता है मज़ा। तो भाई अभी जल्दी से ना मैं देखता हूँ, अभी कोई और नहीं आ जाए ये पतंग उड़ाने, पता नहीं पतंग है या डोर है, अब देखते हैं। गाइस मैं यहाँ खड़ा हूँ और ना यहाँ पतंग तो दिख रही है पर फटी हुई है, और मैं बहुत ऊंचाई पे हूँ और मेरे से ना वो मोबाइल भी नहीं पकड़े जा रहा, मैं गिर जाऊँगा। अबे मैं गाइस बहुत गाइस मैं गिर जाऊँगा अम्मी। गाइस आपको दिखाता हूँ मैं कितनी ऊंचाई पे खड़ा हुआ था और वहाँ से गिर गया मैं, बहुत दर्द हो रहा है यहाँ कमर पे, मैं गिर गया। यहाँ ना पतंग तो थी गाइस, मैं आपको दिखाता भी, पर ना एक गलत काम हो गया कि फटी हुई थी, वरना आप मैं निकालता। मेरे इतनी बुरी लगी है, आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ चढ़ा हुआ था, अब मेरे कैसे लगी है। यहाँ चढ़ा हुआ था आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 15 फीट की ऊँचाई है, मैं यहाँ से गिरा हूँ, यहाँ से मतलब यहाँ बैठा हुआ था, इसकी तरफ खड़ा हुआ था सॉरी ऐसे, और ना यहाँ से गिरा हूँ, यहाँ मेरा पेड़ था, यहाँ मैं खड़ा हुआ था, और इतनी ऊंचाई तकरीबन 10 फीट से ना मैं गिरा हूँ। 10 फीट बहुत होता है गाइस, शुक्र है मैंने कुछ हुआ नहीं, बहुत तेज लगी है, आप मजाक समझ रहे हो क्या, बहुत तेज लगी। आइंदा से भाई पतंग का चक्कर नहीं, वैसे तो मुझे पसंद नहीं है पतंग, पर मैं ना सोचा निकाल लेता हूँ, वरना ना मैं बाहर फेंक देता हूँ यहाँ से। यार बहुत गलत हो गया एक काम मेरे साथ, मेरे पास ना 5 चूजे हैं, अब उनमें से ना पांचों के पांचों में से ना 3 या 4 मुर्गे हैं,
और ये ना उम्र इनों की हो गई है 6 महीने। मैं इनों का कद नहीं बढ़ा क्योंकि मैं छत पे रखता हूँ ना, इनों के पास ज़्यादा मिट्टी भी नहीं है ना नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे घास हो पेड़ हो इनों के इधर, तो ये ना जल्दी ग्रोथ करते हैं। अब ना ये असल में ना अब 6 महीने के हो गए और इनों जानवरों में ना परिंदों में और वो भी मुर्गा मुर्गी वाले परिंदों में एक ना वो होती है खासियत के ना, ये मुर्गे होते हैं ना लड़ते हैं और ये सारे मुर्गे हैं और ये लड़ रहे हैं बहुत तेज़ है। अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से। अब ना ये बहुत चक्कर गलत हो गया, अब ये थोड़े से भी लड़े ना ज़्यादा मर जाएंगे लड़ लड़ के। अब ना इनों को कटवा सकता हूँ क्योंकि इनों में वो गोश्त इतना निकलेगा नहीं ना, मैं इनों को बेचूँ। यार मैं ना सोच रहा हूँ अभी कोई बत्तख के बच्चे लाऊँ, अगर मैं ना हो सका ना बत्तख के बच्चे लाऊँगा तो आपको भी मैं दिखाऊँगा, व्लॉग बनाऊँगा पूरा मज़े का। तो भाई दुख हुआ मुझे बहुत ज़्यादा यार, ये ना लड़ रहे हैं और लड़ लड़ के मर जाए नहीं। और मैं आपको ना अभी दिखाता हूँ अपने दूसरे वाले बड़े वाले मुर्गा मुर्गी, उनका पेयर लग गया है, बस ना 2 से 3 दिन बाद ना वो अंडे भी दे देंगे इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। और ना इनका वो मौसम भी आई है ब्रीडिंग करने का, अभी भी लड़ रहे हैं चूजे, अभी इनको लड़ा इश, इश, इश। गाइस ये देखो इन दोनों का पेयर लग गया, वरना ये उस दिन ना इतना लड़ रहे थे आपको। ओहो क्या है, लड़ रहे क्यों हो, तुम्हें मारूंगा बहुत बुरा, हटे लड़े जा रहे। गाइस मैं दिखाता हूँ आपको, इन दोनों का पेयर लग गया माशाल्लाह से, अब इनों की ब्रीडिंग जल्दी आएगी इंशाल्लाह। और दुआ करो यार मुर्गियाँ निकले, मुर्गे तो बहुत हो गए मेरे पास, अब मुर्गियाँ निकले, अब मुर्गियों से अंडे हो गए, क्योंकि ना एक मुर्गे के साथ ना 6 मुर्गियाँ बहुत होती है। अभी आपको रिएक्शन दिखाता हूँ मैं ये मुर्गे का बड़े वाले और चूजे मुर्गे का, ये ना ये भी चूजे वाला मुर्गा ही है दोनों, पर ये ना बड़ा मुर्गा है, अब देखते हैं लड़ाई करेगा ये क्या होगा। हाँ देखते हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अभी लड़ रहा है थोड़ा थोड़ा चूज़ा लड़ रहा है। गाइस ये चूज़ा ये बच्चा लड़ रहा है और ये तो बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे ना इतना तजुर्बा हो गया कि ना मैं बता सकता हूँ कौन मुर्गा है कौन मुर्गी है, ये मुर्गा है ये मुर्गा है। इनों की आ जाया मेरा मुन्ना माशाल्लाह, आप गाइस शौक करें इस मुर्गे का माशाल्लाह माशाल्लाह, इस मुर्गे का शौक करें, ये 10,000 का बिकेगा इंशाल्लाह ये कुछ महीनों बाद आमीन। ये मुर्गा बिकेगा 1 साल बाद 10,000 का, ये मुर्गा बिकेगा कुछ महीनों बाद 10,000 का, ये मुर्गा बिकेगा 10,000 का, ये सारे इंशाल्लाह, ये बस सबों की ना जिंदा रहे तो मुर्गी भी इंशाल्लाह अगली ब्रीडिंग में ना मुर्गी ही आएगी बस, क्योंकि ना इस बार ना मुर्गे बहुत सारे हो गए और मुर्गी बहुत कम हो गए ये। और बस यार आज कोई ख़ास चीज़ नहीं थी करने को, तो इसलिए ना मैंने बस छोटा मोटा व्लॉग बना दिया है। और अजान भी हो रही है तो अब मैं रात को भाई आपको रूटीन नहीं दिखाता, क्योंकि मेरे बाबा है ना गुस्सा होता है मोबाइल को ना, मैं ऐसे ऐसे दिखाता हूँ ना गुस्सा होता है कि तू ये क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है। और अजान हो रही है तो थोड़ी देर बाद बात करते हैं आपसे। तो गाइस उम्मीद है आप सब लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का।